विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिवादन एवं नमन। आज हम बात कर रहे हैं अगस्त मास। तो अगस्त माह हम लोगों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों को इसी माह में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। हम लोग तो स्वतंत्रता के बहुत साल बाद पैदा हुए, लेकिन जो लोग भी स्वतंत्रता संग्राम में थे उनके लिए मैं हार्दिक नमन करती हूँ, और भगवान उनकी आत्मा को सदैव शांति दे और ऊपर से हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी कहा कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीनता में जब आदमी रहता है तो सपने में भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस स्वतंत्रता को जो हमारे अपने लोगों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर के प्राप्त किया, उसकी रक्षा करना हमारा आपका सबका कर्तव्य है। हम सब मिलजुल करके इसी भावना के साथ में काम करें कि हमारा जो देश है वो हमेशा ही ऊंचा रहे और हमेशा हम लोग प्रेम से संबंध बना करके, मैत्री बना करके रह सके, जिससे कि हम लोग स्वतंत्रता में सांस ले सके। स्वतंत्र हमारा व्यक्तित्व हो, हमारी विचारधारा स्वतंत्र हो। तो आप सबको इसका बहुत बहुत हार्दिक नमन एवं बधाइयां। अगस्त माह में बहुत सारे तीज त्योहार होते हैं, जिसमें मिथिला में प्रचलित मधुश्रवा तीज, मंगला गौरी व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, नाग पंचमी, तुलसीदास जयंती, 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी और कजली तीज, ये सभी इसी माह में है। इन सबकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिथिला में प्रचलित मधुश्रवा तीज में, जो कि श्रावण मास की पंचमी कृष्ण से शुरू होकर के और शुक्ल पक्ष की तृतीया को खत्म होती है, जिसमें आप सबको तो सर्प दोष के विषय में ज्ञात ही है, तो सर्प की पूजा होती है, विषहरा नाग नागिन की पूजा होती है, और जिनका विवाह उस वर्ष होता है तो बहुत उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। तो सभी त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन महीने में साग नहीं खाना चाहिए, ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, क्योंकि कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें। तो जो भी हमारे लिए बताया गया उसका अगर हम पालन करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। अब आइए अगस्त मास में सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। सूर्य कर्क में, 16 अगस्त से सिंह में, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होने के कारण मेष में, मंगल सिंह में 17 अगस्त से अस्त, बुध कर्क में 8 अगस्त से सिंह में एवं 26 अगस्त से चले जाएंगे वो कन्या में, जब बहुत शुभ हो जाएंगे। शुक्र सिंह में 11 अगस्त से कन्या में नीच के हो जाएंगे। बृहस्पति कुंभ में बकरी, शनि मकर में बकरी, राहु वृष तथा केतु वृश्चिक में चल रहे हैं। मास प्रवेश के समय श्रावण कृष्ण अष्टमी रविवार भरणी नक्षत्र गंडियोग है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। तो सुखेश चंद्रमा ही आपके राशि में स्थित होकर के बहुत ही शुभ फल दे रहा है, साथ ही राशिश मंगल तथा सप्तमेश शुक्र दोनों की स्थिति पंचम भाव में एक भाव में बहुत शुभ है, और इसके साथ ही बृहस्पति जो कि लाभस्थ हैं उनसे चारों चरण से दृष्ट है, तो दांपत्य जीवन में बहुत शुभता आएगी। संतान के लिए भी बहुत शुभ है, क्योंकि राशि ही पंचम भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति हर प्रकार से आपको लाभ देने वाला है, राहु भी दूसरे घर में अनेक स्रोतों से आपको लाभ देगा। इसके साथ ही आपका जो कर्मेश है, कर्म भाव में शनि बैठा हुआ है,
लेकिन बकरी है, बकरी होने के कारण कभी कभी चीज हाथ में आते आते फिसल जाती है। चौथे भाव में आपका सूर्य और बुध है, तो थोड़ा खान पान पे ध्यान दें। जहां तक हो सके अगर आप ओम हं हनुमते नमः मंत्र का जाप करते रहें रोज, तो इससे आपको बहुत शुभता आएगी और जो भी ग्रह जनित कभी कभी थोड़े से कष्ट हो जाते हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। माँ आपके लिए मिला जुला करके बहुत शुभ है। आइए अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो अभी भी राशि में ही राहु का गोचर चल रहा है। तीसरे भाव में गए हुए सूर्य और बुध ये आपके लिए शुभ हैं। तीसरे भाव में पापा ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं और चतुर्थ भाव में राशिश शुक्र और सप्तमेश मंगल की युति है, वो भी आपके लिए शुभ है, दोनों एक स्थान पर हैं। और बृहस्पति से जो दशम भाव में बैठे हुए हैं उनसे पूर्ण रूप से दृष्ट है। भाग्येश भी शनि भाग्य में बैठे हुए हैं जो कि आपको हर तरीके से हर प्रकार से सुख दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा असर कम इसलिए हो जाता है क्योंकि शनि बकरी चल रहे हैं। राहु जो आपके राशि पे ही बैठे हुए हैं कभी कभी आपकी बुद्धि को विचलित कर देते हैं। अभी आपके बुध जब जाएंगे सिंह में और उसके बाद से जब वो 26 अगस्त से कन्या में जाएंगे तो आपके लिए स्थितियां बहुत शुभ हो जाएंगी और हर प्रकार से पंचम भाव आपका बलवान होगा, संतान के लिए भी शुभ होगा, आपकी जो सोच है उसमें भी बहुत आराम होगा और आप सब शुभता को प्राप्त कर सकेंगे। जहां तक हो सके आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए अच्छा असर होगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो अभी राशि आपके दूसरे भाव में पराक्रमी सूर्य के साथ में स्थित हो गए हैं। जो भी काम आपका हो रहा है वो दो बार में हो रहा है, पहली बार में कुछ भी काम आपका नहीं हो पा रहा है क्योंकि राशि ही आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके लाभ भाव में हो गए और द्वितीय शो करके लाभस्थ हुए हुए बहुत ही शुभ हैं और बहुत अच्छा फल आपको दे रहे हैं। बृहस्पति भी भाग्यस्थ होकर के बहुत शुभ हैं और आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। राशिश अभी दूसरे हैं, फिर तीसरे होंगे और जब वो चौथे हो जाएंगे कन्या में जाकर के तब और भी शुभ फल देंगे। बस अभी राहु जो आपका बाद में है तो देखें उतावलेपन से आप कुछ काम न करें क्योंकि किसी प्रकार से उतावलेपन से आपके ऊपर में कोई मुकदमा हो सकता है, कोई पुलिस वाला भिड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी की जरूरत है, थोड़ा समझदारी से थोड़ी काम करें। इसके साथ ही अष्टम का बैठा हुआ शनि भी आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ की स्थिति में ला रहा है। जब आपके बुध चले जाएंगे सिंह में तो बृहस्पति से पूर्ण रूप से दृष्ट होंगे तो पति पत्नी में भी बहुत अच्छा सामंजस्य बना रहेगा और सब शुभता आएगी। आप जहां तक हो सके ओम विश्वात्मने नमः मंत्र का जाप करते रहें तो हर तरीके से आपके लिए शुभ होगा। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो राशि चंद्रमा दशम होकर के बहुत शुभ है, वो आपको हर प्रकार से शुभता दे रहे हैं, हर प्रकार से अच्छा फल आपको दे रहे हैं। और दूसरे भाव में बैठे हुए आपके मंगल और शुक्र ये भी आपके लिए राजयोग कारक हैं, जो धन धान्य से आपको भरा पूरा रखते हैं। लेकिन आपके जो राशि पे सूर्य और बुध ये जो स्थित हो गए तो जो भी है कष्ट आपको अपनी सोच के कारण है और कहीं ऐसा न हो कि गलत सोच के कारण किया गया काम बाद में आपको पछताने के लिए मजबूर कर दे। तो किसी भी काम को सोच समझ करके करें
ज्यादा उतावलापन ना दिखाए और क्रोधी भी ना बने तो सब प्रकार से शुभता आएगी, क्योंकि आपके सप्तमस्थ शनि जो है वो भी वक्री हैं, तो सामंजस्य दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी कमी कर रहे हैं। साथ ही में आपका पंचम भाव का केतु वो भी आपको बहुत जल्दी उद्विग्न कर देता है। जहाँ तक हो सके आप ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करते रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो अभी तो आपका समय, आपका भाग्येश और सुखेश मंगल और कर्मेश शुक्र दोनों ही आपकी राशि पे विराजमान हो गए, जो हर प्रकार से आपको कर्मठ भी बनाते हैं और भाग्यशाली भी बना रहे हैं। बस एक ही बात की कमी है कि आपका जो राशि है सूर्य वो बारहवें हो गया। कितने भी धन संपन्न से आप भरे पूरे हो, धन संपन्न हो, लेकिन शरीर में अगर शुभता नहीं है, शरीर से कमजोर है तो कष्टकारी हो जाता है। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें। 16 अगस्त से सूर्य जब आपकी राशि में आ जाएंगे तो बहुत शुभ होगा। आपको तो ज्ञात ही है कर्क राशि में गए हुए जल की राशि में गए हुए सूर्य निर्बल हो जाते हैं। इसके साथ ही चतुर्थ भाव का बैठा हुआ केतु भी आपको अपने शरीर के लिए सावधानी बरतने के लिए आगाह कर रहा है। शनि आपके छठे बैठ गए जो बहुत अच्छा है, और बृहस्पति सप्तम में वो भी शुभ है। 16 अगस्त से आपकी सभी परिस्थितियां बदल जाएंगी। बुध भी आपके राशि में आ जाएंगे और बुध 26 अगस्त से भी आपको बहुत शुभ फल देंगे, क्योंकि वो आपके लाभेश होकर के और फिर दूसरे घर में जाएंगे। 16 अगस्त से त्रिग्रही योग आपका सूर्य बुध और मंगल ये बहुत अच्छा है, जो हर तरीके से आपको शुभता देंगे। जहां तक हो सके आप ओम भानवे नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभता आएगी। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले अभी तो बुध आपके लाभस्थ बहुत शुभ फल दे रहे हैं। हर प्रकार से आपको शरीर में भी और धन के लिए भी हर तरीके से अच्छा है आपके लिए, लेकिन मंगल और शुक्र ये आपके बारहवें हो गए और 16 तारीख से आपके सूर्य भी बारहवें हो जाएंगे और 8 अगस्त से बुध भी बारहवें हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें और थोड़ी सावधानी अपने हेल्थ के लिए भी रखें। बृहस्पति आपके ये अभी छठे हो गए, हालांकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि सभी ग्रहों पर है, मंगल पर है और शुक्र पर है और आगे बुध और सूर्य पर भी होगी, लेकिन अपने आप में ही छठे गए हुए बृहस्पति थोड़े निर्बल हो गए हैं। 26 तारीख से आपका समय बहुत शुभ हो जाएगा, तब तक के लिए आपको थोड़ी समझदारी से काम करना चाहिए। भाग्यस्थ राहु और तीसरे केतु ये आपको मिला जुला फल दे रहे हैं। जहां तक हो सके आप ओम गजाननाय नमः मंत्र का जाप करते रहे तो बहुत शुभता आएगी। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले आपका समय तो बहुत ही अच्छा आ गया, क्योंकि राशि शुक्र और सप्तमेश मंगल ये दोनों लाभस्थ हो गए। पति पत्नी के सलाह से जो भी आप काम करना चाहेंगे, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, जो भी काम हो, अगर आप दोनों सलाह से करते हैं तो आपको सफलता निश्चित है। दशम भाव का गया हुआ सूर्य और बुध ये भी आपको बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, और सूर्य जब 16 तारीख से चले जाएंगे आपके सिंह में और बुध जब 8 तारीख से चले जाएंगे वो भी आपको बहुत शुभ फल देंगे, तो आपके लिए समय अभी बहुत अच्छा है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है, सूर्य आपको बहुत अच्छा फल देंगे। चतुर्थ का बैठा हुआ शनि थोड़ी सावधानी के लिए कह रहा है, पेट संबंधी कष्ट न हो, पैरों में तकलीफ न हो, इसके लिए आप थोड़ी सावधानी रखें। पंचम में बैठे हुए
बृहस्पति ये भी आपको थोड़ा मानसिक रूप से चंचल बना रहे हैं। जहां तक हो सके आप ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभता आएगी। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले, आपका समय तो बहुत ही शुभ है। दशम भाव में ही राशिश मंगल और सप्तमेश शुक्र बैठ गए, भाग्यस्थ हो गए आपके सूर्य और बुध। 16 तारीख से आपके सूर्य भी आ जाएंगे दशम, तो बहुत ही शुभता है आपके लिए। जो भी काम आप इतने दिन से आपके रुके हुए हैं वो सब आपके होंगे, क्योंकि लग्न का जो आपका केतु है वो भी कुजवत केतु मंगल की तरह से ही काम करता है, तो वो आपको शुभता दे रहे हैं। बस दाम्पत्य जीवन में राहु के कारण थोड़ी खटपट होती रहती है, लेकिन आप उसको संभाल करके रख सकते हैं। चंद्रमा जो है वो भी आपको, क्योंकि चंद्रमा भी आपका राशिश भी मंगल के ही असर में है, इसलिए भी थोड़ी सी कमी हो जाती है आपको अपने आवेग पर। तो उसमें थोड़ा ध्यान दें, तुरंत में ज्यादा उत्साह से काम ना करने लगे, सोच विचार करके करें तो बहुत शुभता आएगी आप में। बृहस्पति भी चतुर्थ होकर के शुभ हैं और शुक्र और मंगल को चारों चरण से देख रहे हैं। तीसरे गए हुए शनि ये भी आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि पापग्रह तीसरे में बहुत शुभ है। जहां तक हो सके आप ओम आंजनेयाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो शुभता आएगी, और जो भी आप चाहेंगे उन सब फल की प्राप्ति होगी। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। तो राशिश अभी आपके तीसरे हैं बृहस्पति बैठे हुए और वक्री हैं। दूसरे भाव के शनि ये हर प्रकार से आपको धन का लाभ कराते रहते हैं, धन के लिए किसी भी बात की चिंता की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, लेकिन कभी कभी जो आपका कर्मेश बुध वो अष्टम जाकर के काम से आपको थोड़ा सा विचलित कर देता है और काम संबंधी किसी न किसी प्रकार से आपको तकलीफ हो जाती है और पारिवारिक कष्ट भी हो जाता है, क्योंकि बुध का आपके लाइफ में बहुत महत्व है, जो आपका सप्तमेश भी है। मंगल लेकिन आपका बहुत अच्छा है, भाग्येश होकर के बैठा हुआ मंगल वो आपको हर प्रकार से जो भी बाधाएं आएंगी सबको दूर करेंगे। साथ ही जब आपके बुध चले जाएंगे 8 अगस्त से सिंह में, तथा सूर्य जब 16 अगस्त से चले जाएंगे और 26 अगस्त से जब बुध चले जाएंगे कन्या में, तो हर प्रकार से आपका रुका हुआ काम, काम के प्रति जो आपकी लगन है, सब में वृद्धि होगी और आप बहुत ही सुखी रहेंगे और हर तरीके से आपको शुभता आएगी। जहां तक हो सके आप ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते रहें तो बहुत शुभता आएगी। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। तो राशि शनि ही अभी राशि में चल रहे हैं लेकिन वक्री हैं। दूसरे घर में गए हुए बृहस्पति हर प्रकार से शुभ हैं और आपको शुभता देते हैं, लाभ भी देते हैं। चौथे भाव में गए हुए सप्तमेश चंद्रमा ये भी आपके लिए बहुत शुभ है, और दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य आपका बना हुआ है। बस कभी कभी राहु केतु और शनि इनके प्रभाव के कारण कभी कभी आप थोड़े उग्र हो जाते हैं। वैसे अभी मंगल और शुक्र ये आपके अष्टम चल रहे हैं, तो इसके कारण भी थोड़ी सी पारिवारिक व्यवधान हो जाता है, जिसको आप समझदारी से आगे बढ़ा करके ले जा सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखें, शनि न्यायकारक ग्रह है, शनि और बृहस्पति से ही हम न्याय को जानते हैं। तो जहां तक हो सके आप अगर एक मिनट सोच करके काम करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखमय रहेगा और केतु का भी असर आपके ऊपर से कम होगा।
क्योंकि पंचम का राहु वो आपको कष्ट दे रहा है, तो उसकी शुभता के लिए आप ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो राशि में स्थित बृहस्पति हर प्रकार से आपके लिए शुभ है, सही मार्गदर्शन करते रहते हैं आपका और आपकी आत्मा बहुत ही शुद्ध है। बृहस्पति के कारण आपको सब सुख की प्राप्ति होती है। वो आपके सप्तम में गए हुए शुक्र और मंगल को भी चारों चरण से देख करके शुभता देते हैं। राशि शनि ये अभी वक्री चरण है, बस इसका ध्यान आपको रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से शरीर निर्बल न हो। तीसरे घर में गए हुए चंद्रमा भी आपके लिए शुभता दे रहे हैं। बुध आपका अभी तो छठे घर में चल रहा है, लेकिन सप्तम में आकर के आपको शुभ ही फल देंगे। हर प्रकार से शुभता आएगी, बस शांति बनाए रखें तो हर प्रकार से आपके लिए अच्छा होगा। जहां तक हो सके आप ओम हौम जूम सह का पाठ करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभता आएगी। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। तो अभी भी राशि आपके बारहवें वक्री ही चल रहे हैं। दूसरे घर में गए हुए चंद्रमा जो कि आपके पंचमेश भी हैं, वो आपको शुभ फल देते हैं। मंगल और शुक्र ये आपके छठे हो गए, तो ये भी आपको अच्छा ही फल दे रहे हैं। बुध आपका पंचम में गया हुआ शुभ है, लेकिन सूर्य की युति के कारण कभी कभी अच्छा फल नहीं हो रहा है और आप बहुत जल्दी विचलित हो जा रहे हैं। वैसे आप बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन ग्रहों के कारण कभी कभी मन स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आदमी को अपने ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं रह पाता, जिससे कि आपको बच करके रहना चाहिए। राहु और केतु ये भी अभी आपको बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे, हालांकि राहु तीसरे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन तीसरे भाव के बैठे हुए राहु और लाभ भाव के गए हुए शनि आपके सूर्य और बुध दोनों को चारों चरण से देख रहे हैं, तो पारिवारिक सामंजस्य में थोड़ी सी कमी हो जाती है। ग्रह की स्थितियां बदलेंगी तो फिर सब ठीक होने लगेगा। जहां तक हो सके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करते रहें तो आपके लिए सब प्रकार से शुभता आएगी। ये तो मैंने आपको राशियों की बात बताई। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आप इसकी सूचना भी मुझे देते रहते हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे कि वैज्ञानिक रूप से आपको मिल सके ये कार्यक्रम। आपको एक और बात मैं बता रही हूँ, सावन के महीने में मेहंदी लगाने की बहुत प्रथा है और सौभाग्यवती स्त्रियां तो लगाती हैं, पुरुषों को भी विवाह में मेहंदी लगाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि मेहंदी के पत्ते में केवल आषाढ़ सावन भादो और आसिन इसी चार महीने में रंग आता है। जो लोग 12 महीने पत्तों को सुखा करके उसका प्रयोग करते हैं उसकी बात अलग है। तो सभी सौभाग्यवती स्त्रियां मेहंदी लगाती रहें, भरी पूरी रहें और मधुश्रवा तीज कजली तीज स्वर्ण गौरी व्रत मंगल गौरी व्रत सबका आनंद लें और आप सभी खुश रहें स्वस्थ रहें और स्वतंत्रता दिवस को बहुत उत्साह के साथ में मनाएं, यही मेरी शुभकामना है। और आप आगे भी कार्यक्रम देखते रहें, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे ट्यून्ड।